Assalamu alaikum everyone, this is me Shafak Saleem and you're watching Life Planet by Shafak Saleem. Well, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कटोरी चाट आप घर में कैसे बना सकते हैं. इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू बी फोकस कि मैं किस तरह से बना रही हूँ. अब हम स्टार्ट करते हैं कि कटोरी चाट की डो किस तरह से बनाई जाती है और इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. सबसे पहले आपको 1 कप फ्लोर चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल, एंड देन यू हैव टू मिक्स इट वेल अलॉन्ग विद द वाटर. पानी के साथ मदद लेके आप डो बना लेंगे जैसे आटा गूंथते वैसे ही. डो ऑलरेडी तैयार है और इस डो से 3 से 4 कटोरी बन सकती हैं. इस तरह से राउंड करके आप फोक से इस तरह से निशान कर लें ताकि इसमें ऑयल रह ना जाए जब आप इसको फ्राई करेंगे. अब इस तरह से आपको मेटल का बाउल लेना है और यू हैव टू कवर द होल डो लाइक दिस. इस तरह से पूरे बोल को आपको डो से कवर कर देना है और इसकी साइडें कट कर देनी है नाइफ से. और अब आपको फ्राई करने डाल देना है. जब इसकी साइडें वगैरह हर चीज़ पक जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो बोल आपने कवर किया हुआ है वो खुद ही बाहर निकल आएगा जब आपका कटोरी पक जाएगी प्रॉपरली. तो अभी आप देखें कि किस तरह से होता है. ये पूरी साइडें हर जगह से आपने सही से पकानी है उसको मूव करके. और अब आप देखें कि बोल ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है. तो अब मैं उसको उठा लूँगी, ठीक है, और अब प्रॉपरली इसको पका लूँगी. अब आप देख सकते हैं साइडें पूरी तरह से पक रही हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और क्रिस्पी भी. सो यू कैन सी इट्स रेडी. अब आपको ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है टू मेक योर कटोरी चाट. तो सबसे पहले मैं छोले डालूंगी, फिर प्याज डालूंगी. अब मैं इसमें टोमेटोज़ ऐड करूंगी, बॉयल्ड पोटैटोज, और अब मैं इसके बाद इमली की चटनी ऐड करूंगी, फिर इसके बाद हरी चटनी ऐड करूंगी, और इसके बाद चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, इसके बाद मीठी दही, इसके बाद फिर से मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करी है, फिर से मीठी दही ऐड करी है, और इसके बाद मैंने पापड़ी बनाई थी उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है. तो योर कटोरी चाट इज़ रेडी और अब आप बनाएगा और ज़रूर खाएगा. और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और वो कैसे बनी. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.